नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर बरगी विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां बेलखेड़ा पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया है, जहां आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बेलखेड़ा पुलिस थाने से लगभग 12 किलोमीटर सुनाचर गांव के समीप खेतों में एक परिवार रह रहा है, जहां आसपास जंगल और झाड़ियां हैं। वहीं कुछ दूरी पर स्थित घर बनाकर पटेल परिवार रह रहा है, जिसमें सुनील पटेल, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जो कि एक किशोरी को घर से रात में भगा कर ले गया। कई घंटों तक रात में उसके परिजन उसे ढूंढते रहे, तब जाकर लड़की मिली तो उसने अपने परिवार को पूरी बात सुनाई। वहीं परिजन किशोरी को लेकर बेलखेड़ा पुलिस थाना पहुंचे, जहां पुलिस को परिजनों ने पूरी बात बताई। तत्काल पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिवम पटेल को ढूंढने में लग गई, लेकिन पुलिस पहुंचती उसके पहले ही सुनील पटेल वहां से गायब हो गया था। पुलिस को कई बार शिवम ने छकाया, लेकिन मुस्तैद पुलिस के आगे उसकी एक नहीं चली। आरोपी शिवम पटेल अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जैसे ही घर से निकला, तभी बेलखेड़ा थाने के दो जवान अंधेरे में बैठकर पूरी हरकत देख रहे थे, तभी उसे धर दबोचा गया। वहीं भागने में सफल नहीं हो पाया आरोपी, जिसे थाना लाकर पूछताछ की गई तो शिवम ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, जहां बेलखेड़ा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। ऐसे संगीन अपराध की खबर जब क्षेत्र में लगी तो सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों का कहना है कि ऐसे नरपिशाच के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कल एक नाबालिग किशोरी के साथ सुनाचर के शिवम पटेल पिता मूरत पटेल द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर धारा 376 AB के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिवम पटेल पिता मूरत पटेल को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया, जो न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। नाम सर उप निरीक्षक राजन बागरी, मनोज शर्मा की रिपोर्ट।